क्या आपने कभी ऐसा नाइट क्लब देखा है जहाँ पर लोग संस्कृत गीतों पर नाचते हैं? या फिर आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ पर ऑफिस में छुट्टी ना लेने पर जुर्माना लगता है? आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाली नई इंटरेस्टिंग वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। फैक्ट नंबर 10, मैकडोनल्ड्स दुनिया की पहली ऐसी कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले फास्ट फूड शुरू किया। मैकडोनल्ड्स इतना फास्ट है कि हर सेकंड में 75 से ज्यादा बर्गर बेचता है। जब तक आपने ये फैक्ट सुना तब तक 500 से ज्यादा बर्गर बिक चुके हैं। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों पेरिस में मौजूद एफिल टावर को तो आपने मूवी या फिर टीवी में देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है गर्मी के मौसम में बदलते तापमान की वजह से इसकी हाइट 5 से 6 इंच बढ़ जाती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि एफिल टावर लोहे से बना है और लोहा गर्मी में फैलता है। फैक्ट नंबर 8, दुनिया का सबसे खतरनाक जहर साइनाइड माना जाता है, पर क्या आप जानते हैं इससे भी ज्यादा खतरनाक जहर पोलोनियम है। केवल 1 ग्राम पोलोनियम करोड़ों लोगों को मारने के लिए काफी है। फैक्ट नंबर 7, हर फल का एक अपना अलग ही मौसम होता है पकने के बाद पूरी तरह से तैयार होने के लिए, जैसे कि मैंगो, स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन, इसीलिए इन्हें सीजनल फ्रूट भी कहा जाता है। वैसे तो किसी भी फ्रूट को पकने के लिए 10 दिन 15 दिन या फिर 1 महीना लगता है, लेकिन क्या आपको पता है पाइनएप्पल ही एक लोटा ऐसा फल है जिसको पकने के बाद पूरी तरह से तैयार होने के लिए 2 साल लगते हैं। फैक्ट नंबर 6, ये बात तो हम सब जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे अमीर आदमी है, पर क्या आप जानते हैं कि हर दिन $1 मिलियन खर्च करने के बाद भी उनको 218 साल लगेंगे अपना पूरा पैसा खर्च करने में। फैक्ट नंबर 5, ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में अगर आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब उड़ जाता है तो आप खुद उसे नहीं बदल सकते, इसे बदलना कानूनी अपराध है। बल्ब को बदलने के लिए इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस होना जरूरी है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिशियन का लाइसेंस नहीं है तो आप बल्ब नहीं बदल सकते, इसे बदलना कानूनी अपराध बन जाता है, इसके लिए जुर्माना भरना पड़ता है। फैक्ट नंबर 4, अमेरिका में एक ऐसा स्कूल है जहाँ स्टूडेंट को पढ़ाई करने के लिए अपना पासपोर्ट लाना पड़ता है। इस स्कूल का नाम कोलंबस एलिमेंट्री है। इस स्कूल में 600 स्टूडेंट पढ़ते हैं, उसमें से 402 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेक्सिको के प्योटो पार्लियामेंट्स में रहते हैं। ये जगह अमेरिकी बॉर्डर लाइन से नजदीक मेक्सिको में है और ये स्कूल अमेरिका में है, इसीलिए वहाँ के स्टूडेंट को चेक पोस्ट पार करके आना पड़ता है। इसीलिए यहाँ ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को अपना पासपोर्ट दिखाना पड़ता है और जब उन्हें गार्ड से सीमा में प्रवेश करने की अनुमति मिलती है तब वे अमेरिकी सीमा में प्रवेश करते हैं। वहाँ स्कूल बस बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए सीमा के पास एक बस स्टॉप पर आती है, फिर बच्चे उसमें चढ़ जाते हैं और स्कूल जाते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपने कभी ऐसे देश के बारे में सुना है जहाँ पर ऑफिस में छुट्टी न लेने पर जुर्माना लगता है? लेकिन दुनिया में एक देश ऐसा भी है जहाँ छुट्टी न लेने पर जुर्माना लगाया जाता है। फ्रांस में एक बेकर को एक दिन की भी छुट्टी के बिना हफ्ते के 7 दिन काम करने के लिए $3600 यानी करीब 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उन पर अपने देश के रोजगार कानूनों के खिलाफ जाने के लिए ये जुर्माना लगाया गया था, जो सभी के लिए हफ्ते में 6 दिन काम करने की अनुमति देता है। लेकिन पिछले साल फ्रांस में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण उन्होंने हफ्ते के 7 दिन पूरे साल अपनी बेकरी को जारी रखा। एक दिन की भी छुट्टी न लेने के लिए उन पर यह जुर्माना लगाया गया था। फैक्ट नंबर 2, अगर बात कुछ नमकीन या टेस्टी खाने की हो तो पिज्जा का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। अगर आपके सामने पिज्जा है तो आप कितनी देर में उसे फिनिश कर सकते हैं? 5 मिनट, 10 मिनट या फिर 15 मिनट? लेकिन फिलीपींस के केल्विन मेडिना ने मात्र 23.62 सेकंड में 12 इंच का पिज्जा खाकर फास्टेस्ट पिज्जा खाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। फैक्ट नंबर 1, भारत के नाइट क्लबों में आमतौर पर हिंदी, पंजाबी या इंग्लिश गीतों पर सब नाचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ऐसा नाइट क्लब देखा है जहाँ लोग संस्कृत गीतों पर नाचते हुए दिखाई देते हैं? अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस एरिस में एक ऐसा नाइट क्लब है जहाँ लोग संस्कृत गीतों पर डांस करते हैं।
इस क्लब का नाम है द ग्रोव नाइट क्लब। यहाँ आपको गणेश सरनाम, गोविंदा गोविंदा और जय कृष्ण हरे जैसे गीतों पर लोग झूमते हैं। इस क्लब में एक साथ करीब 800 लोग डांस करते हैं। आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि इस नाइट क्लब में किसी भी टाइप के शराब या सिगरेट के नशे की अनुमति नहीं है, और तो और नॉनवेज पर भी प्रतिबंध है। इस क्लब में सिर्फ शाकाहारी खाना और जूस मिलता है। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर करना। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड ऑलवेज कीप स्माइल।